हमारे सभी विधायक लोग कांटे मामा की जन्मस्थली में उपस्थित हुए हैं और राहुल जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, ये पूरा पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। ये भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे ये भी सोच है, और ये सिर्फ तांतिया मामा जी के साथ नहीं किया गया, ये बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये याद रखिए, ये जो वनवासी शब्द है, ये आपको खत्म करने का शब्द है, और आदिवासी शब्द जो है, ये आपको हक दिलवाने का और ये आपको हिंदुस्तान के असली मालिक बनाने का शब्द है। अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, ये पूरा पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फांसी पर चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है, और यह सिर्फ तांतिया मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये याद रखिए, ये जो वनवासी शब्द है, ये आपको खत्म करने का शब्द है, और आदिवासी शब्द जो है, ये आपको हक दिलवाने का और ये आपको हिंदुस्तान के असली मालिक बनाने का शब्द है। फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, ये पूरा पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फांसी पर चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है, और यह सिर्फ तांतिया मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये याद रखिए, ये जो वनवासी शब्द है, ये आपको खत्म करने का शब्द है, और आदिवासी शब्द जो है, ये आपको हक दिलवाने का और ये आपको हिंदुस्तान के असली मालिक बनाने का शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।